तो लोग आज बात करने वाले कि आप लोग गूगल प्ले बैलेंस को रिफंड कैसे करोगे अगर आप लोग फ्री फायर या आप लोग विजे एम एम में आप लोग टॉपअप करते हो तो पैसा को भी आप लोग रिफंड कर सकते हो आज के समय में आप लोग बताऊँगी कि ओल्ड आप लोग मनी को भी रिफंड ले सकते हो तो बहुत सारे आप लोग एक ही वीडियो के अंदर आप जानकारी मिलने वाले जो भी चीज़ आप लोग रिफंड कर सकते हो तो अभी दो मिनट के अंदर तो जैसे वीडियो को देखना आने स्टेप बाय स्टेप में आप लोग समझाऊंगा क्योंकि ओल्ड परचेज भी यहाँ से टॉपअप को मतलब जो भी वगैरह है वो आप लोग रिफंड कर सकते हो तो सबसे पहले आप लोग कुछ नहीं करना है जैसे आप लोग क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है जैसे आप लोग ओपन करोगे यहाँ पर आप लोग सारे करना है प्ले स्टोर प्ले स्टोर सर्च करना है उससे पहले आप लोग और एक चीज़ बता देता हूँ कि जिस भी ई मेल से आप लोग टॉपअप परचेज वगैरह करते हो उसी ईमेल आई को क्रोम में यहाँ पर आप लोग पहले तो सिलेक्ट करके रखना नहीं तो नहीं होगा तो उसके बाद आप लोग जैसे यहाँ पे ऐड कर लोगे ईमेल आईडी को उसके बाद आप लोग सर्च करना प्ले स्टोर तो सर्च करते टाइम आप लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो जैसे कि हमने सर्च कर लिया तो यहाँ पे आप लोग देख पाओ गूगल पे का आप लोग ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे टैप करोगे तो डायरेक्ट रीडाइडेट कर देगा प्ले स्टोर में तो आप लोग वहाँ पे टैप करके रखना है जैसे आप लोग वहाँ पे टैप करके रखते हो तो आप लोग इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा ओपन इन ए न्यू टैप का जो आप लोगों को ऑप्शन है ऊपर में एक नंबर में वहाँ पे आप लोगों को टैप करना है तो न्यू टैप यहाँ पे हो जाएगा नीचे में आप लोग देखो यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है तो आप लोगों को न्यू टैप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो जैसे वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप लोग को गूगल क्रोम से प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग ओपन करोगे तो आपका जो ओल्ड वगैरह पर्चेस है वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा उसके बाद जो आप लोगों को यहाँ पे आपका जो भी ई मेल है जिससे लो आप लोग टॉपअप वगैरह करते हो उसका आप लोग सिलेक्ट कर लेना या जिसमें आपका अमाउंट है तो यहाँ पे देखो ई मेल में जैसे आप लोग टैप करते हो यहाँ पे देखो पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का जो आप लोग ऑप्शन है वहाँ पर आप लोग को टैप करना है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट मेटो सब्सक्रिप्शन और आप लोग को हिस्ट्री देखने को मिलेगा तो आप लोग को हिस्ट्री में आना है यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से स्लाइड करोगे तो आप लोगों को लो ये ऑर्डर हिस्ट्री देखने को मिलेगा तो वड़ा हिस्ट्री में आप लोग को टैप करना है उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो फिलहाल मैं ज़्यादा टॉप वगैरह नहीं करता हूँ बट अगर आप लोग टॉपॉप वगैरह करते रहे तो डेली तो आप लोग यहाँ पे आपका जितने सारा टॉपॉप है देखने को मिल जाएगा फिलहाल यहाँ पे मेरा लो लास्ट पेमेंट हुआ था याड्रॉप फ्री फायर मैक्स में याड्रॉप लिया था उससे पहले बहुत सारे टॉप वगैरह करते थे बट अभी नहीं करता हूँ अगर आपका जितना टॉपाप होगा गया आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो फिलहाल मेरा यहाँ पे तो कुछ ही टॉपाफ है फिर भी बहुत सारे टॉप यहाँ पर है ओल्ड यहाँ पे देख पर ओल्ड भी टॉप यहाँ पे शो हो रहा है और सबका देखो टॉपॉप में एक आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल रहा है रिपोर्ट प्रॉब्लम तो आप लोग को वहाँ वहीं पर टैप करना है तो फिलहाल यहाँ पर जो मैं रिफंड करने वाला हूँ सबसे पहले जो यहाँ पे ऊपर में है उनतीस का है और नौ का है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं आप लोग को जो भी रिफंड करना है उसका आप लोग टैप करना है रिपोर्ट प्रॉब्लम में आप लोग जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो सिलेक्ट ए ऑप्शन का आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि किस वजह से आप लोग रिफ़ंड करना चाहते हो तो पहले तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आई पार्चेस दिस बाई एक्सीडेंट गलती से पार्चेस हो गया था तो ये भी ऑप्शन लिख सकते हो नहीं तो आप लोग को देखो यहाँ पे पाँच नंबर या हाँ पाँच नंबर में है आई परचेज दिस बाय डोंट रिसीव इट यानी कि आप लोगों ने पर्चेस किया था बट आप लोगों को रिसीव नहीं हुआ डायमंड या यूसी जो भी आप लोग परचेज वगैरह करते हो तो मैं कहूँगा कि आप लोगों को जो पाँच नंबर का ऑप्शन है उसको आप लोग सेलेक्ट करना क्योंकि इससे अगर आप लोग सेलेक्ट करोगे तो फ्री फायर में आप लोगों को शायद नेगेटिव डायमंड ना भी देखने को मिले एक नंबर का हैगा तो पैसा तो मिल जाएगा लेकिन डायमंड माइनस भी हो सकते हैं उसके बाद जैसे आप लोग सेलेक्ट कर ले तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा जानकारी तो आप लोग एक बार लेना पूरा डिटेल्स में दिया है कि किस तरह से रिफंड करोगे तो किस तरह से मिलेगा तो जैसे सबमिट कर दोगे आप लोग को यहाँ पे देख पाओ थैंक्स आपका जो यहाँ पे रिपोर्ट है वो सबमिट हो चुका है आप लोग को जैसे में मनी बैग मिलने वाला एक दिन से लेकर चार दिन के बीच में मिलेगा दो दिन तीन, तीन, तीन दिन भी लग सकते हैं लगभग चार दिन के अंदर ही आप लोग को मिल जाएगा बट आप लोग अगर चेक करना चाहते हो कि आपका सर्वे मतलब जो भी आप लोग सबमिट करोगे रिपोर्ट वो अभी कम्प्लीट हुआ है अंडर रिव्यू में है तो आप लोग यहाँ पर जो आप लोग अलग से कलर देखने को मिलेगा कि दिस पेज का जो आप लोग ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो फिलहाल वहाँ पे भी आप लोगों को कुछ जानकारी देना होगा एंड आप लोग वहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो यहाँ पे रिपोर्ट है वो अंडर रिव्यू में है कंप्लीट हुआ या नहीं तो यहाँ पे देख पा रहे हो ए, मेरा ईमेल आईडी है तो यहाँ पे इसको यस कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करोगे आप लोग क्या चेक करना चाहते हो स्टेटस तो यहाँ पर नीचे भी आप लोग ऑप्शन मिल रहा है और ऊपर में तो यहाँ ऊपर में देखो यहाँ पे वन रिफंड का आप लोग ऑप्शन देखने को मिलेगा वहाँ पर क्लिक करना तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका जो रिफंड है वो अंडर रिव्यू में है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो यही है इस तरह से आप लोग जान सकते हो यहाँ पे फिनिश कर देते हैं तो फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जैसे कि बोला कि चार दिन के अंदर कंप्लीट होगा तो फिलहाल मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे में रिफंड करना चाहते हो तो जल्दी सात दिन या दस दिन के अंदर रिफंड करना तो आप लोगों को मनी बैक मिल जाएगा बाकी अगर ओल्ड परचेज को रिफंड करोगे तो मुझे नहीं लगता फिलहाल मैंने तो रिफंड किया है अगर मिल जाता तो मैं आप लोगों को बता दूंगा इस तरह से आप लोग गूगल पे मनी का आप लोग रिफंड ले सकते हो तो उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोग अच्छा समझा दिया वीडियो को भी तो लाइक नहीं थोड़ा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलो भैले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वर्ड में तब देख लें बाय बाय take care